हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वप्निल। फ्रेंड्स, जब आप आपके मोबाइल का डेटा आपके पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो आप तब आप सिंपल सा वेब पेज अगर यूज़ कर रहे हो या कोई वेबसाइट, तो बाद में आपको पता लग रहा हो कि आपका बहुत सारा डेटा लॉस हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। तो ये डेटा जाता कहाँ है? तो ये डेटा आपके जो अगर पीसी के अपडेट्स होंगे तो वहाँ पे चला जाता है। वो पीसी सारे अपडेट्स के लिए वो डेटा यूज़ कर लेता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली हो तो वो ऑटो अपडेट पे रहता है। तो उस जब आप उसे नेट कनेक्ट करेंगे लैपी को, तो वो पूरा डेटा वो अपडेट्स ले लेगा। तो मैं एक टेक्निक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप उस विंडोज़ के अपडेट्स को आप मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या उसे स्टॉप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, टेक्निकल नॉलेज को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगा, क्योंकि उससे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाके देखते हैं विंडोज़ अपडेट सेटिंग में, और वहाँ से देखेंगे कि आप उसे स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं ऑटो अपडेट्स को। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम एडवांस ऑप्शन में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है, पर यहाँ से पर्टिकुलरली आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसे स्टॉप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सर्विसेज में। तो आप सर्विसेज पे कैसे जाएंगे? तो इसके लिए दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है विंडोज़ की बटन दबा के आप सर्च कीजिए कि सर्विसेज का, तो और एंटर कीजिए, तो आप सीधे सर्विसेज में आ जाएंगे। तो सर्विसेज में आने के बाद एक ऐसा पेज आपको मिलेगा, सिंपल सा, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज रहेगी। तो यह है वो पेज। तो दूसरा भी एक ऑप्शन है आपके पास, जहाँ विंडोज़ प्लस आर प्रेस करके यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा MICS हो गया, तो ये आएगा नहीं। तो इसे फिर से हम सर्च करते हैं services.msc, याद रखिए .msc एक्सटेंशन उसको चाहिए। तो एंटर करने के बाद सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है। बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है विंडोज़ अपडेट फाइल को, तो वो सबसे लास्ट में होगी। तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे, तो शायद यहाँ पे नहीं, और नीचे जाना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रही, ये देखिए विंडोज़ अपडेट की फाइल। तो यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे आपको स्टॉप और रिस्टार्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और अब आपको उसको स्टॉप करना है, तो इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्टार्टअप टाइप है ऑटोमेटिक, इसलिए आपके ऑटोमेटिक अपडेट चालू हो जाते हैं जब आप नेट कनेक्ट करते हैं। तो अब इसे हमें बंद करना है, इस ऑटोमेटिक अपडेट को। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप टाइप है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैनुअल भी है और डिसेबल्ड है। तो मैनुअल कीजिए क्या, तो आप मैनुअली कर सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप डिसेबल्ड ही कर दीजिए। तो सिंपल सी, और उसे अप्लाई कर दीजिए, तो जब भी आप उसे नेट कनेक्ट करेंगे तो आपका वो अपडेट जो है विंडोज़ के अपडेट्स वो होंगे नहीं। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएंगे पूरे अपडेट्स। जब आप उसे परमिशन देंगे, आपको उसे रन करना है, तभी वो अपडेट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो जब भी आप उसे डिसेबल्ड करते हो, तो आप एक बार उसे रिस्टार्ट कीजिएगा कंप्यूटर को, तो उससे अच्छा रहेगा। और अब मुझे उस अपडेट को बंद करना है, या अभी मैंने डिसेबल्ड किया है, तो अब मुझे फिर से मेरे को अब ऑटोमेटिकली अपडेट पे डालना है। तो सिंपल से वहाँ पे सर्च कीजिए विंडोज़ प्रेस करके, और इस पे आ जाएंगे आप ऑप्शन पे, या से आप मैनुअल ऑटोमेटिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई और ओके कीजिए। तो ओके करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है स्टार्ट करके, तो वहाँ से स्टार्ट सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, पर इसके बाद आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी। तो अब मेरे को ये अपडेट चाहिए नहीं फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसे डिसेबल करके रख देता हूँ। तो स्टॉप करने के बाद इसे अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और तो इस तरीके से आपकी विंडोज़ के ऑटो अपडेट स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं।